महासागरीय जल, क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक है, आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली है कि एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल के अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुरता आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह, ब्लू ग्रह भी कहा जाता है। जलीय चक्र, जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचालन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्ष की कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व तो है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जल मंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल व ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठों, अर्थस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। संघनन, वर्षण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। वर्षण पृथ्वी द्वारा अभिगमन, वाष्पोत्सर्जन महासागर मृदा से बेधन, भूमिगत प्रवाह वाह और महासागर से वाष्पीकरण से संघनन होता है। संघनन से फिर से वर्षण होती है। ये चक्रीय प्रोसेस जल का चक्रीय चित्र 13.1 में दिखाया गया है। सारणी 13.1 जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाएं। घटक प्रक्रियाएं महासागर से संग्रहित जल, महासागरों में संग्रहित जल वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, उर्ध्वपातन, वायुमंडल में जल संघनन और वर्षण, हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण, हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना, धरातलीय जल बहाव, जल धारा के रूप में ताजा जल संग्रहण व जल रिसाव, भौम्य जल संग्रहण, भौम्य जल का विसर्जन, झरने। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिम टोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीव में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों में से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है। कुछ भूमि में रिस जाती है और कुछ भाग हिमनद के रूप में ले लेते हैं। चित्र 13.1 उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीनीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने एक संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं? जल की उपलब्धता मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। महासागरीय अर्थस्थल का उच्च वच, महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहत गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिन के प्राकृतिक एवं उनकी भू आकृति का अध्ययन करेंगे। भू आकृति का अध्ययन करेंगे। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भागों को 5 महासागरों में विभाजित किया जाता है। उनका नाम है प्रशांत, अटलांटिक, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक। अनेक समुद्र खाड़ियां, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। महासागरीय अर्थस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किमी के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अर्थस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल और तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। चित्र 13.2 महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने का कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये
लक्षण भी विवर्तनीय ज्वालामुखी एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। महासागरीय अधःस्थल का विभाजन। महासागरीय अधःस्थल को चार प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला महाद्वीपीय शेल्फ, दूसरा महाद्वीपीय ढाल, तीसरा गहरे समुद्री मैदान तथा चौथा महासागरीय गंभीर। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चवास संबंधित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कंटके पहाड़ियां, समुद्री टीला निगमन, द्वीप खाइयां एवं खड्डे आदि। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसका औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत ढीले ढाल पर समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई एवं महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फी नहीं होते अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसा कि चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट स्थित तट इत्यादि पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन सेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसका चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। सेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 किलोमीटर और कुछ क्षेत्रों में यह 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीप सेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिमनदियों तथा पवनों द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित हो जाते हैं। महाद्वीपीय सेल्फ 0, 100, 200, इधर 0 से 1 और 2 किमी। महासागरीय गर्त, सेल्फ विभंग, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, भू प्रपाटी, महाद्वीपीय किनारा। 0 बीच में, 100 किमी इधर, 200 समुद्र टीला निमगन द्वीप, बीतलीय मैदान, बीतलीय पहाड़ी, गंभीर समुद्री खाई, 0, 5 और 10 किमी भू प्रपाटी, गंभीर महासागरीय बेसिन, 0, 100 किमी, 200 किमी मध्य महासागरीय कंटक विभंग, अनुपात शिफ्ट विभंग, 0, 2, 4 किमी भू प्रपाटीय मध्य महासागरीय कंटक चित्र, 13.2 महासागरीय अधःस्थल के ऊंचावाच ये चित्र में दिखाई दिए हैं। लंबे समय तक प्राप्त स्थूल स्थलु तलछटी और साधु जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय ढाल महासागरी बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेशों की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेशों की गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन, गंभीर गड्ढे एवं खाइयां दिखाई देते हैं। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मध्य ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसाद जैसे मृतिका एवं गाद से ढके होते हैं। महासागरीय गर्त, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर महासागरीय तली की अपेक्षा से 3 से 5 किमी तक गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार पर द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचालन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों का खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अंटार्कटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में है। उच्चवाच की लघु आकृतियां। ऊपर बताए गए महासागरीय अधःस्थल के प्रमुख उच्चवाचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रमुखता से पाई जाती।
है प्रमुखता से पाई जाती है। मध्य महासागरीय कटक एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। समुद्र टीला यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्र तली से ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागर के सागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्रीय टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेरर समुद्रीय टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीपों का विस्तार है इसका एक अच्छा उदाहरण है। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन ये गहरी घाटियां होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी की ग्रैंडलैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय सेल्फ और ढाल को आर पार काटती नजर आती हैं। हंडसन कैनियन विश्व की सबसे अधिक जान माना कैनियन है। निमगन द्वीप यह चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के सापेक्ष द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले प्रशांत महासागर के अनुमानत 1000 से अधिक समुद्रीय टीले एवं निमगन द्वीप उपस्थित हैं। प्रवल द्वीप ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त बनी आकार के द्वीप हैं जो की गहरे अवनमन के चारों ओर से घिरे होते हैं। यह समुद्र अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घिरे रहते हैं। महासागरीय जल का तापन इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानीय एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल के तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश ध्रुवों की ओर प्रवेशीय सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों की सतह जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। दूसरा स्थल एवं जल का असमान वितरण उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तीसरा सनातन पौने स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पौने महासागरों के सतही मार्ग जल को तट से दूर धकेलती हैं जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अपतटीय पौने गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है। चौथा महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती हैं जबकि लिब्राडोर धारा ठंडी धारा उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को कम कर देती हैं। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानीय रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्र का तापमान खुले समुद्र की अपेक्षा कम होता है। तापमान का ऊर्ध्वाधर एवं तथा क्षैतिज वितरण महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटती है। पार्श्व चित्र महासागर के सतह ही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री आरोही तापमान सेंटीग्रेड में 0.4 डिग्री 8 डिग्री 12 डिग्री 16 डिग्री 20 डिग्री और 24 डिग्री 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 बढ़ती हुई गहराई मीटर में ये ताप प्रवणता का बीच में दिखा रखा है। ताप प्रवणता थर्मो कलाइन
सतह पर दिखाई सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है, कई 100 मीटर नीचे तक जाती है। चित्र 13.3। यह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में ताप 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत, जिसे ताप थर्म प्रवणता थर्मक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मा कलाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक बीचों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से निकट होता है, और इसीलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी को केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से होता है, और यह विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री से होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री से तथा ध्रुवों के नजदीक 0 डिग्री से होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुववृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थल एवं जल के आसपास समान वितरण के कारण होती है। चित्र 13.4 में महासागरीय सतह के तापमान के स्थानीय प्रारूप को दिखाया गया है। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतह पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भाग में सम्मोहन की प्रक्रिया से पारेषित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की यह दर अब सभी जगह समान नहीं होती है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा उसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती जाती है। ये 0 से 90 डिग्री, 180 डिग्री के बीच 150 डिग्री दिखाई गई है। चित्र महासागरों की सतह के तापमान डिग्री सेल्सियस के स्थानीय स्वरूप में दिखाई गई हैं, जो 0, 5, 10, 15, 20, 25 डिग्री सेल्सियस, ऊपर 25, 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। 0 से 5, 10, 20, 30, 25, 28, 25, 20, इधर भी 0, 5, 10, 15, 20, 25, 0 डिग्री के बीच में, यहाँ से 0 से 10, 15, 20, 25 के बीच पहुंच रहा है। ये 0 से 2000 और 6000 किमी के बीच का पैमाने रखे गए हैं। महासागरीय जल की लवणता, चाहे वर्षा का जल या हो या महासागरों का, प्राकृतिक में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवण वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1 किलोग्राम समुद्र जल में घुले हुए नमक ग्राम में की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग परसेंट या पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन के रूप में व्यक्त किया जाता है।
लवणता समुद्र जल का महत्वपूर्ण गुण है। 27.7% की लवणता को खारे जल की सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदी के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। तीसरा, पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। चौथा, महासागरीय धाराएं भी लवणता से भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता समान लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसीलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार की का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र मृत सागर में 238%, टर्की की वान झील में 330%, सेंट साल्ट झील में 220% लवणता का क्षैतिज वितरण। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41% तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35% के बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होती है, कभी कभी वहाँ की लवणता 70% तक पहुँच जाती है। प्रशांत महासागर की लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35% में से कम होकर 31% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्रों का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15 से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह 33% तक घटती जाती है। अंटार्कटिक महासागर का औसत लवणता 36% के लगभग है। उच्चतम लवणता 15 से 20 डिग्री अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरीय सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। चित्र 13.5 विश्व के महासागरों की लवणता दर्शाता है। ये महासागर सतहों में लवणता का वितरण दिखाया गया है। 34, 35, 36, 35, 35, 34, 33, 34, 35, 35 इधर दिखाई, कर्क रेखा के 35, 30 दिखाई गई, 32, 34, 33, 32, 36, 34, विषुवत रेखा पे 34, 34 दिखाई गई, मकर रेखा पे 35, 35, 36 और 37, 35 दिखाई गई है। आर्कटिक में 33 दिखाई गई है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसके परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है, या ताजे जल के मिल जाने से घटती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहां किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। महासागरों के सतह क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर अधिक
ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। एक स्पष्ट क्षेत्र जिसमें हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्र के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के अस्थिरीकरण को प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्र जल की बढ़ती लवणता इसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्रीय जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। इससे लवणता का अस्थिरीकरण हो जाता है। परियोजना कार्य विश्व का एटलस की सहायता से महासागरीय नीतल के उच्च वाचों को विश्व के मानचित्र पर दर्शाए। यह एटलस की सहायता से हिंद महासागर में मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र को पहचानिए।